हेलो भरीवन। तो ये देखिए क्लास ट्वेल्थ भूगोल का चैप्टर 4 है जिसका नाम है मानव विकास। तो इसको अच्छे से समझिएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और बनते भी हैं। क्या पता किस पार्ट से कौन सा प्रश्न पूछा जाए, लेकिन ये निश्चित होता है कि ये प्रश्न पूछेगा इस पार्ट से तो पूछेगा, फालतू के प्रश्न उस पाठ में नहीं पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिखे गए हैं इनको ध्यानपूर्वक आप समझिएगा, कॉपी पर नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी आपकी परीक्षा फरवरी में होगी, मार्च में होगी, तो अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट बनता है क्या कि वृद्धि किसे कहते हैं, ये आपका प्रश्न बनेगा। आपसे इस तरह से भी पूछ देगा, विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसी तरह से पूछेगा। और ये अधिकतर 3 नंबर का पूछेगा, आपसे दीर्घ उत्तरी नहीं पूछेगा। लेकिन प्रश्न आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये दीर्घ उत्तरी है, लेकिन आपको 3 ही नंबर का पूछेगा कि वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर इस टाइप से नहीं पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि वृद्धि किसे कहते हैं, लिखिए, तो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए, देखिए लिखा हुआ है, उत्तर लिखा हुआ है कि वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, इतना आप याद रखिएगा। यहाँ पर इस तरह से मैं लिखा हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि वृद्धि में क्या मात्रात्मक परिवर्तन होता है, इसका मूल्य क्या निरपेक्ष होता है, और यह धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। इतना आपको जरूर याद हो गया होगा कि वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, इसका मूल्य निरपेक्ष होता है, और यह धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। इसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। अब जैसे समझिए, वृद्धि का मतलब पॉजिटिव वे में ही होता है, निगेटिव वे में ही होता है, वही धनात्मक या ऋणात्मक। जैसे देखिए जनसंख्या क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है उसको भी हम कहेंगे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और जनसंख्या अगर घट रही है तो उसको भी हम कहेंगे जनसंख्या में घटने में वृद्धि हो रही है। आई इतनी बात समझ में? अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम तमाम उदाहरण आपको समझा सकते हैं, एक ही उदाहरण काफी है। अब यहाँ पर आगे मैं समझाता हूँ। लिखा है दूसरा प्रश्न है आपका कि विकास का क्या अर्थ है, तो आप उत्तर लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है, इसका मूल्य सापेक्ष होता है, जिसमें सदैव क्या धनात्मक वृद्धि होती है, जिसमें सदैव क्या धनात्मक वृद्धि होती है। तो विकास को फिर से समझिएगा, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है, इसका मूल्य क्या होता है, सापेक्ष होता है, जिसमें सदैव क्या धनात्मक वृद्धि होती है। जहां पर धनात्मक वृद्धि होती है वहां पर समझिएगा क्या विकास हो रहा है। क्योंकि जैसे देखिए मान लीजिए मुकेश अंबानी अमीर हो रहे हैं तो वो क्या है, उसमें विकास हो रहा है। जब तक वृद्धि हो रही है यानी उनके में क्या विकास हो रहा है, जब मुकेश अंबानी में ऋणात्मक वृद्धि होती है तो वहाँ विकास नहीं कहा जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इससे आप यही समझेंगे जिसमें सदैव धनात्मक वृद्धि होती है वह विकास के अंतर्गत आता है। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे वृद्धि और विकास में अंतर कोई पूछे तो यही दोनों चीज़ें आप सभी बता देंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको नंबर मिलेगा। अब चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आगे देखिए आपका क्या तीसरा प्रश्न बनता है, काफ़ी फेमस प्रश्न है, अधिकतर ये प्रश्न पूछा भी जाता है दीर्घ उत्तरी में। तो वैसे तो आपके स्कूल में पूछा जाएगा, लेकिन जो आपका बोर्ड पेपर होगा उसमें फेमस प्रश्न चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड से वही पूछा जाता है। तो चैप्टर सेकेंड वाला तो पक्का रहता है, यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक, और ये सब भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसको समझाते हैं। मानव विकास किसे कहते हैं, ये आपको 3 नंबर का पूछा जाएगा, पूछा भी गया है, और अगर पूछ लिया जाए तो इसे याद रखिएगा। पूरा प्रश्न क्या है, मानव विकास किसे कहते हैं तथा मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, परिभाषित कीजिए या विवेचना कीजिए, इस तरह से लिखा रहेगा। तो अब आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप उत्तर लिखिएगा। उत्तर में क्या लिखेंगे कि मानव विकास किसे कहते हैं, ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है वह क्या मानव विकास कहलाता है। ऐसा विकास जो लोगों के क्या विकल्पों में यानी च्वाइस में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है वह क्या मानव विकास कहलाता है। यह परिभाषा अगर मान लीजिए परिभाषा पूछ दिया, यह परिभाषा डॉक्टर मकबूल उल हक के अनुसार है, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, तो यही चीज़ आप लिखेंगे। तो जो इनके द्वारा परिभाषा दी गई है अलग अलग किताबों में थोड़ा अलग कर दिया गया है, लेकिन यही चीज़ आप लिखिएगा कि मानव विकास किसे कहते हैं, तो ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है वह मानव विकास कहलाता है।
अब आगे पूछा है कि मानव विकास के चार स्तंभ कौन कौन से हैं, परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आप अगला हेडिंग लगाएंगे कि मानव विकास के चार स्तंभ। तो पहला स्तंभ क्या है? समता। तो समता के अंतर्गत आप क्या समझेंगे, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। समता का आशय ऐसे समाज या प्रदेश से है जिसमें निवासित प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की क्या व्यवस्था हो। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। समता का आशय ऐसे समाज या प्रदेश से है, समता का आशय ऐसे समाज या प्रदेश से है। अब मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की, क्या उत्तर प्रदेश की, तब आपको समझ में आएगा ये क्या है, उत्तर प्रदेश है। समता का आशय ऐसे समाज या प्रदेश से है, अब यहाँ पर आगे के लिए है, जिसमें निवासित प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुँच की क्या व्यवस्था हो। अब उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर देखिए निवास करते हैं, कई व्यक्ति हैं। अब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, मान लीजिए वह उत्तर प्रदेश को बिजली देना चाहती है, तो मान लीजिए इसको मैं थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ, इधर वाले क्षेत्र को अगर वो ज़्यादा बिजली दे रही है और इधर वाले क्षेत्र को कम दे रही है तो वह नाइंसाफी कर रही है, वह समता नहीं कहलाएगा, वहाँ पर समता का उपयोग ही नहीं हो रहा है। समता का उपयोग कब होगा, जब ऐसे क्षेत्र या प्रदेश में कोई भी चीज़ अगर उनको उपलब्ध कराई जा रही हो तो सभी व्यक्तियों को समान भाव से उपलब्ध कराई जाए। अगर यहाँ पर बिजली दे जा रही है तो इस प्रदेश को जितना बिजली दे रही है उतना ही इधर क्षेत्र वालों को बिजली दी जा रही है, तो समझ लीजिएगा समता के अंतर्गत है। जैसे आप लोग देखते हो कि अपने गांव की बिजली कट गई है, पड़ोसी वाले गांव में बिजली है, तो ये हम लोग अधिकतर देखते रहते हैं, तो ये क्या है, समता के अंतर्गत नहीं है। समता के अंतर्गत कब आएगा, जब पड़ोस वाले के पास भी बिजली रहेगी, अपने पास भी बिजली रहेगी, तब समता के अंतर्गत आएगा। उसी तरह से एक उदाहरण और आपको समझाते हैं, उदाहरण के ही माध्यम से आप समता को आसानी से समझ पाएंगे और हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर आज आप रट लोगे तो थोड़ा भूल सकते हो, रटना तो आपको है ही, रटने का मतलब आपको याद करना है। जब आप बोर्ड में लिखने जाओगे तो वहाँ पर आपको याद रहना चाहिए। जो बहुत से लोग कहते रहते हैं रटो मत रटो मत, भाई जब तुम रटोगे तब आपको कुछ ना कुछ उसमें नया चीज़ मिलेगा और वो चीज़ याद हो जाएगा। तो पढ़ो, रटने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि तुम अब रटना मत करो, उसका भाव को समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर फिर से मैं समझाता हूँ, समता का आशय ऐसे समाज या प्रदेश से है जिसमें निवासित प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुँच की क्या हो व्यवस्था हो। फिर से एक उदाहरण समझाता हूँ, मान लीजिए ये क्या है, उत्तर प्रदेश है, क्या है, उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कोई भी सरकारी नौकरी दी जा रही हो, सरकारी नौकरी दी जा रही हो, तो OBC एक आता है आपका, क्या, जनरल आपका आता है, OBC जाते आती है, SC ST आती है। मान लीजिए सरकार जो है वो जनरल को नौकरी दे रही है, OBC को दे रही है, SC ST को नौकरी नहीं दे रही है, तो ये समता के अंतर्गत नहीं आएगा। समता क्या चीज़ है, समता का ऐसे ऐसे समाज या प्रदेश है जिसमें निवासित प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी अवसर अगर उपलब्ध कराया जा रहा है तो सभी को उपलब्ध कराया जाए। अगर हम सभी को नौकरी देंगे तब ये समता के अंतर्गत आएगा। तो आपको काफ़ी अच्छे से समता याद भी हो गया होगा। अब चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से मैं इसको बताया, अभी यार आगे नहीं जा रहा है, एक सेकंड बस आप लोग वेट कर लीजिए, यहाँ पर कुछ गायब हो चुका है, एक सेकंड बस। चलिए अब आगे लेके चलता हूँ, यहाँ पर लिखा है सतत पोषणीयता। तो सतत पोषणीयता का क्या अर्थ है, इस चीज़ को जरा समझिएगा। सतत पोषणीयता का अर्थ है किसी समाज में, किसी क्षेत्र में उपलब्ध पर्यावरणीय, वित्तीय और मानवीय संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी इसका क्या उपयोग कर सके। तो सतत पोषणीयता काफ़ी ईजी है, अभी मैं उदाहरण से समझाऊँगा फिर आपको समझ में आएगा। फिर से पढ़ता हूँ, सतत पोषणीयता का अर्थ किसी क्षेत्र में उपलब्ध पर्यावरण की वित्तीय और मानवीय संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। जैसे अपना क्या है, देश भारत है, अपना देश क्या है, भारत है। अभी यहाँ पर देखिए क्या है, कोयले की क्या कमी हो रही है जिससे बिजली की कटौती हो रही है। तो हमें क्या, कोयले को इस प्रकार से यूज करना है, जैसे 24 घंटा अगर हम अभी बिजली ले लें तो अगर कोयला ख़त्म हो जाएगा तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह 24 घंटे बिजली ले पाएगी, नहीं ले पाएगी। तो यही है, इसीलिए आजकल बिजली की कटौती हो रही है। जो अपनी सरकार है वो हमको 3-4 साल 2 साल
हमको 24 घंटा बिजली दे दी थी, तो अब जो कोयला जहाँ से बिजली उत्पन्न हो रही थी कोयला खत्म हो रहा है, तो बिजली इसीलिए कटौती हो रही है। इसीलिए सरकार को क्या समान भाव से सही सही समय पर जितना समय पर आवश्यकता हो उतने ही समय पर बिजली प्रदान की जाए, जैसे दोपहर में बिजली प्रदान कर दी जाए, सुबह में बिजली प्रदान की जाए जब जब आप चरी उरी काटते हो यानी मशीन उशीन जिससे चालू हो जाए, शाम को बिजली दे दी जाए यानी सुबह दोपहर शाम लगभग दो दो तीन तीन घंटे हमेशा लगातार बिजली रहे, इसके बाद बीच बीच में कटौती कर दी जाए। लेकिन अगर आप 24 घंटे बिजली दे दोगे तो कोयला जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो बिजली आएगी ही नहीं, तो जब बिजली आएगी नहीं तो सारा काम ठप पड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि सतत पोषणीयता का अर्थ किसी क्षेत्र में उपलब्ध पर्यावरणीय वित्तीय और मानवीय संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। अब जैसे भारत में कोयला मान लीजिए यहाँ पर कोयला मिलता है, यहीं से क्या कोयला मिलता है और बिजली का उत्पादन सब जगह किया जा रहा है, जब कोयला अब खत्म हो जा रहा है तो बिजली का उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमें कोयले को इस प्रकार से पूरी तरह से नहीं यूज कर लेना है कि जिससे आने वाली पीढ़ी यानी जो आपके बाल बच्चे होंगे वो बिजली देख ही ना पाए कि बिजली कैसी चीज होती थी। तो इस प्रकार से हमको इसका यूज करना है जिससे आने वाले लोग भी उसका क्या उपयोग कर सकें। आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। आगे लिखा है कि उत्पादकता क्या चीज है, तो उत्पादकता क्या चीज है कि मानव विकास के संदर्भ में उत्पादकता का आशय मानव श्रम अथवा मानव के कार्य से है। इसके लिए यह आवश्यक है कि मानवीय समुदाय में साक्षरता को बढ़ाया जाए, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाकर निरंतर वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। उत्पादकता का आशय किससे, मानव श्रम से है, मानव के कार्य से है। जैसे मान लीजिए हम क्या यहाँ पर श्रम कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, अगर हमें चिकित्सा ना उपलब्ध कराई जाए तो अगर हम मान लीजिए किसी दिन थोड़ा सा हमारा तबीयत डाउन हो जा रहा है, गोली वोली हमको नहीं मिल पा रही है यानी दवाई ववाई, तो हम आपका शाम को क्लास ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, अगले दिन भी शायद ना ले पाएं। तो यही सब चीज़ें कहा जा रहा है कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हमें से आपसे कुछ लाभ मिल रहा है, आप पढ़ रहे हो आपको ज्ञान मिल रहा है, तो हम कुछ कर रहे हैं तब आपको ज्ञान मिल रहा है, तो हम थोड़े उच्च बड़े हो तो हमको क्या, हमको शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए जिससे हम अगर कुछ करें तो आपको लाभ हो। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर लिखा गया हुआ है। अभी मैं एक उदाहरण और आपको समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि मानव विकास के संदर्भ में उत्पादकता का आशय मानव श्रम अथवा मानव के कार्य से है, तो मानव के श्रम तथा मानव के कार्य कैसे, जैसे मान लीजिए भारत में, फिर से एक उदाहरण अलग से मैं समझा देता हूँ तब आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए जो भी कंपनियों में काम कर रहे हैं भारत के लिए, भारत के सैनिक मान लीजिए, जैसे आपके इंडियन आर्मी है, आपके फौजी भाई साहब जितने लोग हैं, आर्मी को हम क्या करेंगे, आर्मी को अगर हम सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराएंगे, उनको चिकित्सा नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे, इसी प्रकार से जो कल फैक्ट्रियों में काम व्यक्ति लोग कर रहे हैं श्रमिक मजदूर, उनके भी संदर्भ में आप समझिएगा। एक ही उदाहरण से आप कई जगह दिमाग लगा लीजिएगा। अगर हम आर्मी को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तो हमारे देश की रक्षा करेगी, उसी तरह से अगर हम मजदूरों को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तो वो जब कंपनियों में काम करेंगे तो कंपनियों का जब तरक्की होगा, हमारे भारत देश की में वृद्धि होगा पैसों का। वही चीज़ कहा जा रहा है कि इससे लिए आवश्यक है कि मानवीय समुदाय में क्या साक्षरता को भी बढ़ाया जाए और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिससे उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाकर निरंतर वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिए कोई श्रमिक है वो 5 घंटा काम कर रहा है, अगर हम उनमें शिक्षा भी जरूरी है, अगर हम उसको शिक्षित कर दिए तो वो जैसे फॉरेनर लोग आते थे, जैसे विदेशी लोग हमको लूट लिए थे, अगर उस वक्त भारत शिक्षित होता थोड़ा तो उन लोगों को मार डपट के भगा देता। तो अगर उसी तरह से अगर उनकी कार्य क्षमता में अगर हम वृद्धि कर दें तो वो 5 घंटा के बजाय 8 घंटा काम करने लगेगा, जब 8 घंटा काम करेगा तो ज़्यादा पैसा कमाएगा कि नहीं, वही चीज़ इसमें समझाया गया है। उसी तरह से अपनी इंडियन आर्मी है उसको भी आप शिक्षित करिए, और जो है जैसे उसमें चिकित्सा की बात है, कोई जवान अगर बीमार पड़ता है तो उसको तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए जिससे वो ठीक हो जाए। अगर मान लीजिए उस वक्त चाइना से लड़ाई हुआ तो उसको ठीक ठाक करके आराम से चाइना को धुन देंगे, यही बात हुई ना। इसीलिए यहाँ पर गया है उत्पादकता लिखा हुआ है। आगे चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या चीज़ है, काफ़ी ईजी चीज़ है, काफ़ी मस्त चीज़ है। अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने की क्रिया को सशक्तिकरण कहते हैं।
अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने की क्रिया को हम सशक्तिकरण कहते हैं। जैसे आप लोगों ने क्लास टेंथ पास किया तो आपको क्या सशक्तिकरण दिया गया था कि आप कल आर्ट साइड लेके पढ़ोगे, यानी जैसे जो सब्जेक्ट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये लेके पढ़ोगे, कि आप लोग गणित लेकर पढ़ोगे, कि आप लोग ये क्या कहते हैं आपका कॉमर्स लेके पढ़ोगे। तो आपको सशक्तिकरण किया गया था, आपको शक्ति प्राप्त थी, आपको विकल्प चुनने की प्राप्त थी। विकल्प आपके अंतर्गत क्या था कि आप कला लेकर पढ़ोगे, कि आप गणित लेकर पढ़ोगे, गणित का मतलब जिसमें सभी कुछ आ जाते हैं, इसके बाद आप कॉमर्स लेकर पढ़ोगे। तो आपको तीन विकल्प दिया गया था, तो आपने कौन सा विकल्प चुना है, कला वाले में। तो आपको ये शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई, सशक्तिकरण से। अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने की क्रिया को सशक्तिकरण कहते हैं। अब ये तो मैंने एक उदाहरण बताया, इसी तरह से तमाम उदाहरण है, आपको अपना दिमाग वहाँ पर दौड़ा के समझना है। अगर मैं सारे उदाहरण यहाँ पर समझाऊँ तो कितना समझाऊँगा, और सारे प्रश्न नहीं समझा पाऊँगा तब। चलिए आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर लिखा है ये प्रश्न आपका काफ़ी बेहतरीन प्रश्न बनता है, इसको नोट करिएगा। मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं, विवेचना कीजिए। तो मानव विकास के उपागम निम्नलिखित हैं। पहला है आय उपागम। तो मानव विकास के अध्ययन का यह सबसे प्राचीन उपागम है। इसमें मानव का विकास का निर्धारण मानव की आय के साथ जोड़कर ज्ञात किया जाता है। तो मानव विकास का के अध्ययन का यह सबसे क्या है, प्राचीन उपागम है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का, जैसे वह अमीर है कि गरीब है, उसका निर्धारण करना हो तो आप कैसे करोगे, आय उपागम को देखकर कर लोगे। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अमीर और गरीब कैसे होता है, अगर उसके पास ज़्यादा पैसा है तो आप कहोगे वह अमीर है, और कम पैसा है तो आप कहोगे क्या है, गरीब है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि मानव विकास के अध्ययन का यह सबसे प्राचीन उपागम है। इसमें मानव विकास का निर्धारण मानव की आय के साथ जोड़कर ज्ञात किया जाता है। जब उसके पास ज़्यादा आय आ रही है तो आप कहोगे उसका विकास हो रहा है, यही ना कहते हो। तो वही चीज़ तो यहाँ पर लिखा है कि आय उपागम किसे कहते हैं। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा, जिनको अभी नहीं याद हुआ है तो वो लोग लिख कर याद करेंगे। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। आगे लिखा है कि कल्याण उपागम। कल्याण उपागम क्या चीज़ है, यहाँ पर लिखेंगे यह उपागम प्रत्येक मानव की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा सुख साधनों पर पर्याप्त धनराशि के सरकारी व्यय को आवश्यक मानती है। तो कल्याण उपागम काफ़ी अच्छा चीज़ है। ये कैसे होगा, मान लीजिए आपका कल्याण कैसे हुआ, आप मान लीजिए गरीब हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, लेकिन आपको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जैसे आपको ट्यूशन करना हो, ऑफलाइन क्लास करना हो, ऑनलाइन क्लास तो आप फ्री में कर रहे हो, बस मोबाइल में डाटा भरा ले रहे हो, आराम से पढ़ ले रहे हो, बहुत सारे लोगों को क्लास ले पा रहे हो। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन और अच्छे तरीके से पढ़ना हो, वहाँ से तो आप कुछ पूछ नहीं पाओगे, तो अगर ऑफलाइन में रहते तो आप पूछते। तो वही चीज़ है कि आपका कल्याण कैसे होगा। मान लीजिए आप गरीब हैं, तो जब तक सरकारी व्यय आपको नहीं होगी तो आप कहाँ से अमीर हो पाओगे। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, आप पढ़ना चाह रहे हो, और कक्षा आप 12 में पढ़ना चाह रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो अगर सरकार आपको कुछ मदद कर दे पढ़ने के लिए तो आप आसानी से पढ़ लोगे। जिस स्कूल में पढ़ना चाह रहे हो, सरकार आपको मदद कर दे, आप वहाँ पढ़ाई कर लो, इसके बाद आप पढ़ाई लिखाई कर कर नौकरी प्राप्त कर लो, जो पैसा सरकार दी थी उसको लौटा दो। तो जब इस तरह से सुविधाएँ सरकार देने लगेगी तभी आप लोगों का कल्याण होगा, वरना कल्याण इस तरह से नहीं होगा गरीबों का। आई बात समझ में, इसीलिए पढ़ाया लिखाया जाता है। जब आप पढ़ो लिखोगे तब सही और गलत का फर्क कर पाओगे, वरना जब दुनिया कहेगी सही है सही है तो आप भी कहोगे सही है। अब जब आपके पास थोड़ा नॉलेज रहेगा, पढ़े लिखे रहोगे, तो जो लोग फैयाते रहते हैं ये सही है ये सही है, तो आप उस चीज़ को नहीं फॉलो करोगे, आप अपना आकलन लगाओगे, सोचोगे आराम से कि यह सही है कि यह गलत है, तब आप दुनिया को बताओगे कि यह सही है गलत है। आई होप आप सही लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आपको आगे लेके चलते हैं, एक बार और अगर आपको बता दे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। यह उपागम प्रत्येक मानव की क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा सुख साधनों पर पर्याप्त धनराशि के सरकारी व्यय को आवश्यक मानती है। शिक्षा को मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया, उसी तरह से जो स्वास्थ्य है, मान लीजिए आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार हो गया, चलिए दादाजी को बीमार कर देते हैं, मान लीजिए आपके दादाजी बीमार हो गए और आप अस्पताल में लेकर गए भर्ती कराने के लिए, और अस्पताल वाला कहा कि 5 लाख रुपया दीजिए तब जाकर इनका हम इलाज कर पाएंगे, बीमारी बहुत गंभीर है, तो आपके पास 5 लाख रुपया नहीं है तो आप कैसे दे पाओगे, दादाजी तो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर ये जो सरकारी है, सरकार है, आपको पैसा दे दे रही है, तो आप 5 लाख देकर डॉक्टर को अपने दादाजी को बचा सकते हो। आगे लिखा है सामाजिक सुरक्षा। क्या सामाजिक सुरक्षा,
जिस गांव में आप रह रहे हो, जिस शहर में आप रह रहे हो, वहां पर मान लीजिए दंगा हो जाता है, वहां पर कोई पुलिस वुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो वहां पर आपको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, वहां पर आप कायदे से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाओगे। तो सरकार को चाहिए कि हर एक क्षेत्र में, वैसे तो इस समय है सरकारी सुरक्षा आप लोगों को मिलती है, अगर कोई आपको दो थप्पड़ मार रहा है तो आप सरकार आप कहीं भी जाकर शिकायत करके उसको भी क्या अंतर करवा सकते हो, तो ये सुरक्षा आपको मिल रही है। तथा सुख साधनों पर पर्याप्त धनराशि को सरकारी व्यय को आवश्यक मानती है। सुख साधनों का मतलब जैसे आप लोन ले लो तो उस लोन लेकर अपने काम को कर आसानी से लोन को भर दो, ये सारी चीजें इसमें समझाई गई हैं। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर लिखा है आधारभूत आवश्यकता उपागम, ये काफी अच्छा प्रश्न है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि आधारभूत आवश्यकता उपागम को परिभाषित कीजिए, अलग से पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। मानव विकास के इस उपागम का प्रतिपादन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने किया था। इसके अंतर्गत मानव की छह आधारभूत आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल, स्वच्छता तथा आवास को रखा गया है। फिर से समझाता हूँ, मानव विकास के इस उपागम का प्रतिपादन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किया था। इसके अंतर्गत मानव की छह आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे स्वास्थ्य आपका सही होना चाहिए, आपके पास शिक्षा होनी चाहिए, आपको जीने के लिए भोजन चाहिए और जल चाहिए, और स्वच्छता भी जरूरी है जिससे आप बीमार ना हो, और एक घर चाहिए जिससे आप अपना जीवन जो है आसानी से व्यतीत कर सको। जब ये सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी तब आप गरीब से क्या अमीर बन सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, मान लीजिए इसमें से कोई भी चीज़ एक चीज़ ना हो, तो आप अमीर नहीं बन सकते हो जल्दी। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं, आगे लेके चलते हैं। क्षमता उपागम लिखा है, क्या क्षमता उपागम, और यही लास्ट है। तो क्षमता उपागम को समझिएगा, मानव विकास के इस उपागम का प्रतिपादन भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया। उनकी दृष्टि में मानवीय क्षमताओं का विकास कर उनकी संसाधनों तक पहुंच को क्या बढ़ाया जा सकता है, तथा यही मानव विकास की क्या है कुंजी है। इनमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्या कहा कि उनकी दृष्टि में मानवीय क्षमताओं का विकास कर, मानवीय क्षमताओं का विकास कर उनकी संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाया जा सकता है, तथा यही मानव विकास की कुंजी है। अब इसको मैं उदाहरण से समझाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये क्या था, क्षमता उपागम था। मान लीजिए आपके अंतर्गत अभी आप लोगों ने क्या मैथ आपको कठिन लग रहा था, इसीलिए आपने कला चुना और उसमें ज्योग्राफी लिया है। मान लीजिए इसमें भी ऐसे बच्चे हैं जिनको क्या 2 घंटे पढ़ने चाहिए, वो क्या 1 घंटे पढ़ रहे हैं। अगर वो अपनी क्षमता को बढ़ा दें, 2 घंटे पढ़ने लगें लगातार, जिससे ज्योग्राफी उनको अच्छे से समझ में आने लगेगी, तो वो क्या ज्योग्राफर बन सकते हैं, ज्योग्राफी के टीचर बन सकते हैं, सरकारी नौकरी उनको मिल सकती है। लेकिन वही अगर वो क्षमता घटा देंगे तो उनका क्या होगा, कल्याण नहीं होगा, और उनका उन मानवों का क्या विकास भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए लोग लेबरई क्यों करते हैं, लेबरई शुरुआती अवस्था में वो पढ़े लिखे नहीं, उस वक्त दूसरा बालक जो था वो पढ़ाई लिखाई करता था, तो जब वो चीज़ें बड़ी हुई तो जो पढ़ता लिखता था वह क्या हुआ, अपनी क्षमता को बढ़ाया, और वो पढ़ने में क्षमता को बढ़ाया, और उधर वो काम वम नहीं करता था, बाद में जब शादी विवाह हो गया तो उसको काम वम करना पड़ता, नहीं तो परिवार कैसे चलेगा, खर्चा बर्चा निकालना पड़ता, तब वो अपने मानव कार्य यानी श्रम में क्षमता बढ़ाने लगा, तो उसमें कम रुपया मिला, और जो पढ़ाई लिखाई कर रहा था उसको सरकारी नौकरी मिल गई, उस अपनी क्षमता शुरू में ही बढ़ाया था, वो पढ़ाई लिखाई में क्षमता को बढ़ाया था, तो वह सरकारी नौकरी मिल गई। तो किसका विकास ज़्यादा हुआ है, विकास इस सरकारी नौकरी वाले को ज़्यादा हुआ क्योंकि उसका पेमेंट ज़्यादा था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से बताते हैं, मानव विकास के इस उपागम का प्रतिपादन भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया। उनकी दृष्टि में मानवीय क्षमताओं का विकास कर उनकी संसाधनों तक पहुँच को क्या बढ़ाया जा सकता है, तथा यही मानव विकास की कुंजी है। अब एक उदाहरण और आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई क्या है, यहाँ पर श्रमिक है, क्या है श्रमिक है, लेबर, क्या है लेबर, और यहाँ पर क्या है कोई क्या है पढ़ने वाला व्यक्ति है, क्या है पढ़ने वाला व्यक्ति। मान लीजिए क्या है गरीब का भी लड़का एक पढ़ रहा है और एक अमीर का भी लड़का पढ़ रहा है, तो अमीर वाले लड़के के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अब बात होगी सिर्फ और सिर्फ लेबर और गरीब वाले बच्चे की। अगर हम इनकी क्षमताओं का क्या करें, गरीब बच्चे का क्षमता का विकास कराएं, जैसे उसको जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं उस चीज़ों को हम उसको दें, यानी भारत सरकार दे या कोई और भी व्यक्ति दे सकते हैं, उनकी क्षमता को हम बढ़ाएं जिससे वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सके। उसी तरह से कोई श्रमिक है लेबर है या काम करना चाह रहा है लेकिन काम उसको मिल नहीं पा रहा है, तो हम उसको क्या काम दें, काम प्रोवाइड कराएं। जैसे देखिए जो आपका निकला हुआ था ये रोजगार वाला योजना, रोजगार गारंटी क्या कहते हैं उसका, यार भूल गए,
ये क्या कहते हैं यार, मनरेगा नरेगा था, गांव में सभी लोगों को रोजगार मिलता था। इसमें क्या था, 100% रोजगार की गारंटी रहती थी। तो इससे क्या होता था, श्रमिकों को रोजगार मिलता था, वह अपनी क्षमता को थोड़ा बढ़ा लेते थे, तो उनका भी क्या होता था, विकास होता था। वो अपनी क्षमता को जब बढ़ा रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो उनका विकास होगा। तो ये जो विकास है कई संदर्भ में देखा जाता है। इसीलिए मैंने आपको ये वाला उदाहरण में और ये वाले उदाहरण में हल्का सा आपको फर्क दिखाई दिया होगा, तो जब आप समझेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। अब अंत में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो बच्चे लास्ट तक वीडियो देखे होंगे, हमें नहीं लगता होगा कि उनको दोबारा याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ों को कई बार बोला और आपको जो जरूर याद हो गया होगा। अब जब आप इतना देर तक पढ़ ही लिए हो, तो फिर से एक बार जितना मैं पढ़ाया हूँ उसको कॉपी पर नोट करिएगा और तुरंत पढ़िएगा, तुरंत पढ़िएगा, 1, 2, 3 बार पढ़िएगा, आपको 100% याद हो जाएगा। लास्ट वक्त जब आपका जब जनवरी फरवरी चलता है, उस वक्त ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, जब आपको पहले से याद होगा। तो मिलते हैं आप सुनो सर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपने दोस्तों को भी यार शेयर किया करिए कि स्टडी प्लानिंग पर ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, तो आप लोग भी आकर पढ़ा करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।